राजस्थानी गट्टे की सब्जी तो आपने बहुत बार खाई होगी। आज हम बनाएंगे फ्रेश हरी मेथी के गट्टे, क्योंकि तो सर्दियां आ रही हैं और मेथी का सीजन भी है, तो आज हम बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी ट्राई करेंगे हरी मेथी के गट्टे की सब्जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूज देसी किचन। तो चलिए आज हम बनाते हैं हरी मेथी के गट्टे की सब्जी। मेथी वाले गट्टे की सब्जी बनाने के लिए एक बॉल में एक बड़ी कटोरी हमने दरदरा बेसन लिया है, आप रेगुलर बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटी चम्मच अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाला है, जिससे कि फ्लेवर अच्छा है। स्वाद के हिसाब से नमक, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कटी हुई बारीक हरी मेथी, दो चम्मच दही और एक चम्मच तेल डाला है मोयन के लिए, जिससे कि गट्टे काफी सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे। हाथ से पहले सब चीजों को अच्छी तरह मिला लेंगे। अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी डालकर इसको गूंद लेंगे, थोड़ा ये हार्ड हम बेसन को गूंदेंगे। थोड़ा पानी अभी इसमें और लगेगा, लग रहा है। ये अच्छी तरह बेसन गूंद गया है, थोड़ा सा तेल और डालेंगे जिससे कि बेसन थोड़ा चिकना हो जाए और इसको एक बार और गूंद लेते हैं बेसन को। बेसन गुन गया है, इसके हम इक्वल साइज में बॉल्स काट लेंगे और इसको एक सिलेंड्रिकल शेप देंगे, जिससे कि जब हम इसको कट करेंगे तो ये गोल गोल इसका शेप आएगा। काटने के बाद गट्टे का शेप आएगा। ये हमने इस तरह से सारे रोल करके रख लिए हैं, थोड़ा पतला ही रखेंगे रोल करते समय, जिससे कि ये अच्छी तरह से अंदर तक उबल जाए और ये कच्चे ना रहे अंदर से। अब हमने एक कढ़ाई पैन में पानी गरम किया, उसमें थोड़ा सा तेल और सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब उबलते हुए पानी में हम ये गट्टे डालेंगे एक एक करके और इसको हम करीब करीब 10 से 15 मिनट तक बॉईल करेंगे। कवर कर देंगे और कवर करके हम इसको बॉईल करेंगे, बार बार थोड़ा सा चलाते रहेंगे, जिससे कि अच्छी तरह अंदर तक उबल जाए। गट्टे को उबलते हुए 15 मिनट हो चुके, एक बार इसको चेक कर लेते हैं एक टूथपिक से। एकदम क्लीन आ रही है, इसका मतलब ये अंदर तक कुक हो चुके हैं अच्छी तरह। गैस ऑफ करके इसको एक चलनी में निकाल लेंगे, जिससे कि इसमें जो भी एक्सेस पानी है वो ड्रेन आउट हो जाए और इसको हम ठंडा करने के लिए एक बोल में रख देंगे। गट्टे को ठंडा होके 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको जितने मोटे साइज के आपको गट्टे रखने उतना मोटा साइज इसका काट ले। ये अंदर से एकदम जालीदार बने, इसमें जबकि हमने बिल्कुल भी सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है। इस तरह से हम गट्टे काट लेते हैं और जब तक ये ठंडे हो रहे तब तक हम मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर एक हमने बड़ा प्याज लिया है, 4 से 5 कली लहसुन के लिए, 2 टमाटर लिए हैं और एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है। इसका हम एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। आगे की प्रोसेस के लिए एक पैन या कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल गरम करेंगे। गट्टे की सब्जी मस्टर्ड ऑयल में काफ़ी अच्छी लगेगी, काफ़ी टेस्टी बनती है। तेल में एक छोटा चम्मच हींग पाउडर डाला है, हींग थोड़ी सी सॉटे हो जाएगी तो जो मसाला हमने पीसा है मसाला इसमें ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट तक मसाले को भून लेते हैं। अब इसमें थोड़े से पाउडर मसाले डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक और सब चीज़ों को अच्छी तरह पहले हम भून लेंगे। ज़रूरत पड़े तो 1 से 2 चम्मच आप यहाँ पर पानी भी डाल सकते हैं। मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक मसाला ऑयल ना छोड़ दे। बराबर चलाते हुए मसाले को भूनेंगे, मसाले ने अब ऑयल छोड़ दिया है। अब जो हमने गट्टे काट कर रखे हैं वो गट्टे इस मसाले में ऐड करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे जिससे कि गट्टे और मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मसाले के जितने भी फ्लेवर्स हैं वो गट्टे में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। 1 से 2 मिनट तक गट्टे और मसाले को अच्छी तरह भून लेते हैं। अब जो गट्टे जिस पानी में उबाले थे उसी पानी की हम ग्रेवी लगा देंगे, क्योंकि उस पानी में काफी सारे फ्लेवर्स थे। यहाँ पर हमने 1.5 कप पानी ऐड किया है, जितनी आपको ग्रेवी थिक रखनी है उतनी आप ग्रेवी उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड करें।
इसको हम एक से डेढ़ मिनट और कुक करेंगे पहले तेज फ्लेम के ऊपर, उसके बाद फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम के ऊपर हम इसको करीब 8 से 10 मिनट और अच्छी तरह से कुक करेंगे। ये अच्छी तरह से कुक हो गया है, ग्रेवी भी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया से हम इसको पहले गार्निश कर देंगे और इसको हम सर्व करेंगे। मेथी के गट्टे की सब्जी को आप रोटी, पराठा या राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मुझको तो गट्टे की सब्जी राइस के साथ खाना काफी पसंद है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको गट्टे की सब्जी किसके साथ खाना पसंद है। रेसिपी पसंद आए तो सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और चैनल को बिना सोचे समझे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।